सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, यही घुमा रहे भाई, जितना मन करे घुमा लो यार, जितना मन करे घुमा लो, एक आध साल का टाइम है, जितना घुमा लो, पालतू कुत्तों को कोई डरने भरने वाला नहीं है। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, यही घुमा रहे भाई, जितना मन करे घुमा लो यार, जितना मन करे घुमा लो, एक आध साल का टाइम है, जितना घुमा लो, पालतू कुत्तों को कोई डरने भरने वाला नहीं है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। गोपालगंज और मोकामा में चुनावी प्रचार जो है वो पूरे सबाब पर है। इसी कड़ी में आज तेजस्वी यादव और ललन सिंह पहुंचे गोपालगंज, जहां पर ललन सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है सीबीआई और ईडी को लेकर कि वो तो केंद्र सरकार के पालतू कुत्ते हैं। पूरा बयान देखिए ललन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं भारी जनसभा के बीच। ईडी, इनकम टैक्स, यही घुमा रहे भाई, जितना मन करे घुमा लो यार, जितना मन करे घुमा लो, एक आध साल का टाइम है, जितना घुमा लो, पालतू कुत्तों को कोई डरने भरने वाला नहीं है। सब लोग सर पर बांध के तैयार है, जो करना है कर लो, कोई भय नहीं है। तो इसलिए साथियों, आपसे फिर से हम आग्रह करेंगे कि एक एक वोट आपका मोहन गुप्ता जी को लालटेन छाप पर बटन दबाकर 3 तारीख को मिले। यही इस देश के चलाने का आपका नजरिया है, इस देश की समस्या है, उस देश की समस्या पर कभी कोई चर्चा नहीं करता। तो इसलिए आप छोड़ दीजिए, उसका चिंता छोड़ दीजिए, उसका चिंता 2024 के चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी की के नेतृत्व में जो सरकार बनी है वो दिल्ली तक कूच करेगी और वहां कब्जा होगा, उसका चिंता मत छोड़िए। अभी 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 सिर्फ कान में कुछ फूकेगा, उसका मुख्यालय यहाँ नहीं है, दिल्ली में नहीं है, एगो उसका हेडक्वार्टर नागपुर में भी है, और नागपुर से जो कहता है वो जितना जमीन के ऊपर है उसका 7 गुना जमीन के नीचे है। बड़ा कन्फ्यूजी करेगा, बड़ी तरह का भ्रम फैलाएगा, बहुत तरह के जुमलेबाजी का काम करेगा। सबसे सतर्क रहना है, सबसे सचेत रहना है, और महागठबंधन के उम्मीदवार मोहन गुप्ता जी को भारी मतों से विजयी बनाना है। यही अपील और आग्रह करने के लिए हम सब लोग आए हैं, और एक बात आपको भरोसा दिला देते हैं कि नीतीश कुमार जी, लालू जी और तेजस्वी जी के का जो महागठबंधन बना है, जो नेतृत्व में गठबंधन बना है, वो गठबंधन अटूट है, अटूट है, अटूट है, उसको कोई दुनिया की ताकत हिला नहीं सकता है। 2017 में, 2015 में भी हम लोग का गठबंधन था, 2015 में भी हम लोग का गठबंधन था, 2017 में भाजपाइयों ने एक षड्यंत्र किया, इसलिए हमने कहा कि साजिश करता है ये, षड्यंत्रकारी है ये। 2017 में इन लोगों ने एक षड्यंत्र किया, और एक पुराना केस जो 2008 में खत्म हो गया था, उस केस को 2017 में फिर शुरू करवाया, और एक ही साजिश थी कि कैसे तेजस्वी जी को, लालू जी को और नीतीश जी को अलग किया जाए। हम लोगों ने समझ लिया, हम लोगों ने उसको महसूस कर लिया, और यह एहसास हो गया कि 2017 में जो फैसला हम लोगों ने लिया था वो सही फैसला नहीं था। आज जो हम लोगों ने फैसला लिया है वह फैसला सही है, और वह फैसला सही